न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। अवार्ड शो में कपिल शर्मा शो की धूम, टीम ने बनाया जश्न। कपिल शर्मा शो ने इंडियन टेली एकेडमी अवार्ड 2019 में कुल 6 अवार्ड जीते हैं, जिसके बाद शो की कास्ट ने एक शानदार जश्न मनाया। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं। कृष्णा ने लिखा, अवार्ड जीतने की खुशी में द कपिल शर्मा शो की पूरी टीम के साथ जीत का जश्न। तस्वीरों को बनीजे एशिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया गया है। फोटोज में एक राउंड टेबल पर बड़ा सा केक और उसके इर्द गिर्द शो द्वारा जीते गए अवार्ड नजर आ रहे हैं। रेड वेलवेट केक पर बीच में एक कैंडल लगी हुई है और इस पर लिखा है, बधाई हो द कपिल शर्मा शो टीम। तस्वीरों में कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, अर्चना पूरन सिंह और द कपिल शर्मा शो के डायरेक्टर भारत कुकरेती भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सभी तस्वीरों में कपिल शर्मा गायब है। लीक तोड़ने की हिम्मत को ही सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं आयुष्मान खुराना। हिंदी सिनेमा में लगातार 7 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर से सुर्खियों में आया अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी सफलता का श्रेय अच्छी और दमदार कहानियों को देते हैं। आयुष्मान मानते हैं कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों की सोच बदल चुकी है। वो असामान्य परिस्थितियों में एक सामान्य इंसान के हीरो बनने की कहानी से अपना दिल लगा रहे हैं। आयुष्मान कहते हैं, मेरी फिल्में देश भर में दर्शकों ने सराही हैं और मेरी नई फिल्म बाला को भी उनका प्यार मिल रहा है। यह एहसास सुखद और अविश्वसनीय है। एक एंटरटेनर के रूप में बेहतर कंटेंट के लिए ज़रूरी चीज़ों पर बने रहने और अपने विश्वासों पर टिके रहने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसका परिणाम इस बात को साबित करता है कि मेरी पसंद 100% सही रही है। मैं अब भी सीख रहा हूँ और मेरी हर फिल्म की कामयाबी बतौर अभिनेता मेरे लिए एक नया सबक है। लीक तोड़ने की हिम्मत रखना ही मेरे नज़र में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। शॉर्लेट प्लेयर ने वरुण धवन के साथ किया डांस। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन हाल ही में WWE महिला चैंपियन शार्लेट फ्लेयर से मिले। इस दौरान वरुण ने शार्लेट के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के गाने पर डांस भी किया। बता दें कि WWE सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर इस समय भारत में 3 दिन के दौरे पर आई हुई थी। उनका ये टूर 16 नवंबर को खत्म हो गया है। अपने टूर के शुरुआती 2 दिन द क्वीन मुंबई में थी। वहीं अगर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। फिटनेस फ्रीक है हिना खान, जिम आउटफिट में शेयर की तस्वीरें। हिना खान टीवी का फेमस चेहरा है। टीवी पर कई बार हिना खान को बहू के रोल में देखा गया है। हालांकि हिना अपनी फिटनेस पर भी काफ़ी ध्यान देती हैं। फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए हिना खान जिम करती हैं। उनके लिए वर्कआउट काफ़ी मायने रखता है। हिना खान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और अक्सर अपने जिम और फिटनेस से जुड़े फोटो फैंस के साथ शेयर करती हैं। अब इंस्टाग्राम पर हिना खान ने जिम सेशन के दौरान की कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं। हिना खान इस दौरान ब्लैक कलर का जिम आउटफिट पहने हुए हैं। हिना खान जिम सेशन के दौरान शीशे के सामने जिम आउटफिट में अलग अलग पोज दे रही हैं। हिना खान को सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत टेलीविजन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना ने अक्षरा की भूमिका निभाई और काफी सुर्खियां बटोरी। आमना शरीफ ने ब्लू रंग के जंपसूट में शेयर की तस्वीरें। कसौटी जिंदगी के 2 में कोमोलिका का किरदार निभाने वाली अदाकारा आमना शरीफ ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उनमें वो ब्लू रंग के जंपसूट में नजर आ रही हैं। काफी लंबे समय से आमना शरीफ को लोग कोमोलिका के अवतार में देख रहे थे। उनके लिए अदाकारा का ये अवतार काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। इन तस्वीरों में आमना शरीफ का रूप खूब निखर कर सामने आ रहा है। आमना शरीफ ने हमेशा से अपने आप को फिट रखा है और इस जंपसूट में उनकी खूबसूरती ने फैंस को घायल कर दिया है। आमना शरीफ को टीवी सीरियल में देखने वाले लोग यही समझते हैं कि वो असल जिंदगी में भी वैसी ही हैं, लेकिन आमना शरीफ की तस्वीर बताती है कि वो पर्सनल लाइफ में एकदम बेबाक हैं। लंदन में हर्षित चोपड़ा संग क्वालिटी टाइम बिताती नजर आई एरिका फर्नांडिस। हाल ही में लंदन में AVTA अवार्ड्स 2019 का आयोजन किया गया था। इस दौरान टीवी के कई कलाकारों ने अवार्ड फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कसौटी जिंदगी की 2 अदाकारा एरिका फर्नांडिस भी इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनी और वहां से उनकी कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। एरिका ने हर्षित चोपड़ा के साथ इस अवार्ड फंक्शन में खूब मस्ती की और उनके साथ जमकर पोज भी दिए। एरिका फर्नांडिस ने हर्षित चोपड़ा के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताया और इस दौरान दोनों के बीच खूब बातें भी हुई। हर्षित ने अपने एक फैन को ऑटोग्राफ दिया और इस दौरान उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। लंदन में इश्कबाज फेम कुणाल जयसिंह भी पहुंचे और उन्होंने सभी के साथ खूब तस्वीरें क्लिक करवाईं। एरिका ने कुणाल और हर्षित की कंपनी अच्छे से एंजॉय की। नकुल मेहता ने भी अवार्ड फंक्शन में शिरकत की और इस दौरान वो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हर्षित और एरिका के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है।
नेहा धूपिया और अंगद ने मनाया बेटी का पहला बर्थडे। एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति एक्टर अंगद बेदी ने अपनी बेटी मेहर का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल ओकेजन पर दोनों ने बेटी संग बेहद क्यूट फोटो शेयर की हैं। इनमें अंगद और नेहा बेटी संग बलून लिए हुए हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, हमारी बेटी आज एक साल की हो गई है, हैप्पी बर्थडे मेहर। प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दादा और ग्रैंड पेरेंट्स जैसी बुद्धि मिले और तुम्हारी माँ जैसी स्माइल और जिंदा दिली। ढेर सारे प्यार और प्रार्थना, हमेशा एक दयालु लड़की बनना। तुम्हारे पापा अंगद, वाहे गुरु मेहर करे। वहीं नेहा ने भी मेहर के लिए लिखा, हमारी प्यारी परी को पहले जन्मदिन की बधाई। मेरा दिल बहुत सारे प्यार से भर गया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे मेरे जीवन का बेस्ट गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ऑफ मदरहुड। भगवान तुम्हें हमेशा खुशी दे, गुरु मेहर करे। स्पिट्स विला 12 की कंटेस्टेंट की बोल्ड तस्वीरों ने मचाया धमाल। टीवी शो स्प्लिट्स विला 12 में नजर आने वाली मायशा अय्यर ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं। पेशे से मॉडल मायशा अक्सर अपने फोटोशूट की तस्वीरों से धमाल मचाती रहती हैं। इस तस्वीर में तो उनकी अदाएं वाकई में कातिलाना है। इस तस्वीर के जरिए मायशा तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। मायशा की बिकनी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाती हैं और इस तस्वीर में वो धमाल मचाती हुई नजर आ रही हैं। मायशा अपने फोटोशूट के दौरान ऐसे ऐसे पोज देती हैं कि हर किसी का ध्यान उन पर जा पहुंचता है। हाल ही में मायशा मालदीव पहुंची हुई थी, वहां पर मायशा अय्यर ने दिल खोल कर एंजॉय किया। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।